पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। नहीं वीके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए। हाँ, आप यूके जाके काम खत्म करके जल्दी वापस आइए। हाँ हाँ, रेयांश का ख्याल रखूंगी मैं। और ये विक्रम भी तो है ना। ओके बाय। ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? ओके ओके बाय। दिस इज सच गुड न्यूज। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। हाँ, हुआ क्या है बताओ तो। बट एक मिनट। मुझे भी तो बताओ। वन टू थ्री, आराधना ने रियांश से शादी करने के लिए हाँ बोल दी। यस 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 यस, कैन यू बिलीव इट? सीरियसली? लेकिन ये सब अचानक कैसे? हाँ, आराधना ने तो कहा था कि उसे रियांश। क्या कहा, क्या सोचती थी? नथिंग, बस ये कि राधी ये बोलती थी ना कि सिर्फ रियांश में इतना जुनून है उसे पाने का, और अब अचानक से राधी ने शादी के लिए हाँ बोल दी। मैं थोड़ी सरप्राइज्ड हूँ। ओके। मम्मा के साथ जो कुछ भी हुआ है उस सब के पीछे रियांश का हाथ है। ये राधी ने हाँ कैसे कर दी? क्या उसे रियलाइज हो गया है कि रियांश कल्प्रिट नहीं है? Yes, yes, yes. मैम, हम ना दोनों का ना डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, ओके? पूरे शहर को बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, और फिर उसके बाद ना हम कुछ मेजर अनाउंसमेंट भी करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, सब करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे रेयांश से बात करनी है, ओके? ठीक है मैम। एक्सक्यूज मी। श्योर मैम। शादी, मैं क्या सुन रही हूँ? तूने रेयांश से शादी करने के लिए हाँ बोल दी, क्या हुआ? ओ हेलो, क्या हुआ? तुम्हारी सारी खुशी इतनी टाइट टाइट पिश क्यों हो गई? यार पूजा, मैंने एक चीज तुम्हारे बारे में नोटिस किया है, पता है? तुम ना आराधना की तरह, तुम्हें भी मूड स्विंग्स होने लगा है। पहले तुम खुश होते हो, फिर तुम सैड होते हो, फिर तुम सैड होते हो, फिर तुम खुश होते हो। प्रॉब्लम क्या है, क्या सोच रही हो? विक्रम, प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? क्या हुआ है तुम्हें? हेलो, तुमने क्यों कॉल किया है? मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं कॉल करूंगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि विवेक घर पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। रियांश को अगर पता चल गया ना कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। और देखो, वैसे भी बहुत सालों बाद रियांश की लाइफ में खुशियाँ आई हैं। यार पूजा, इतना टाइम बाद दोनों साथ में आए और तुम अभी भी मुंह सुझा रहे हो। मेरा मुंह सुझा हुआ क्यों रहेगा? आई एम नॉट अपसेट। It's just, राधी ने इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी में ले लिया, मुझे अचानक से समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। I'm just confused. ए, आराधना कॉल है। Let me congratulate her first. Oh no, अगर राधी ने विक्रम को मैं समझ के इससे बात करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? ये क्या बोल रही हो तुम? Are you serious? अरे आराधना, तुम ऐसे बात भी कैसे कर सकती हो? ऑफ कोर्स मैं रियांश को सब बता दूंगा। ओके बाय। नहीं, मैं कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं तुमसे कब मिलूंगी। और हाँ, अब मेरी लाइफ में सिर्फ रियांश है, उसके सिवा कोई नहीं है। तो अगर उसकी लाइफ में खुशियां आ रही है तो मैं उसी पर फोकस करूंगी। सो प्लीज प्लीज डोंट कॉल मी। क्या बोला राधी ने अभी? तुमने बोला मैं रियांश को बता दूंगा एंड ऑल, व्हाट इज रॉन्ग? बोलो तो, कुछ हुआ क्या है? अरे क्या बोलूं, कुछ बोलने से पहले उसने फोन काट दिया। एक मिनट, लेकिन तुम इतनी डरी भी क्यों? क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? ऐसी क्या बात हो रही है तुम दोनों के बीच में जो तुम लोग मुझे नहीं बता रहे हो? डरी हुई नहीं, इट्स दिस गर्ल्स टॉक यार, हम दोनों दोस्त की आपस की बात है, इट्स नथिंग लाइक दैट। ओके ओके गाइस, इस घर में कितने सालों बाद खुशी आई है। हाँ। So come on, let's start the celebrations. चलो मैम, done. अरे चलो कपूर।
अगेन यू चेंज द चैनल? न्यूज नहीं देखनी तो कम से कम कुकरी शो देख लो, दैट वे यू विल एटलीस्ट लर्न कुकिंग. रियली? आपको तो कुकरी शो देखने की भी जरूरत नहीं, आप वैसे इतना पकाते हो. गुड वन. एंड यू, व्हाई आर यू बीइंग हर पेट? ये तो वैसे ही आजकल नागिन की तरह डस रही है, तुम क्यों अपना फन फैला रहे हो? पता है ये मर्डर करवा रही है आजकल, ये तो हम बियंका से बाल बाल बच गए, वरना आज तो हमारी. मर्डर एंड ऑल की बातें मत करो यहाँ पर. आपको पता है ना, दीवारों को भी कान होते हैं, और यहाँ इस कॉलोनी में तो टेबल, कुर्सी, बल्ब, ट्यूबलाइट सबको कान है. हम जो भी बात करते हैं सबको सब पता चल जाता है. इस घर में रहना तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, यहाँ पे रहना वेरी कम्फर्टेबल. ऑफ कोर्स, फ्री वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सब किसे अच्छा नहीं लगता. फ्री का वाईफाई तो है बट स्ट्रॉन्ग नहीं है, टीम्स नहीं ओपन होते. डू वन थिंग, रेलवे स्टेशन के पास ना बहुत अच्छा वाईफाई मिलता है, कल से वही रह लो. वरुण, ऐसे नहीं करते. जागृति तुम्हारे भाभी की बहन है ना. जैक्स, तुम्हारे हाथ में क्या है? मिठाई है? वाओ, कौन सी मिठाई है? चॉकलेट पेड़े. रियली चॉकलेट पेड़े? मैं अभी कुकिंग शो देख रही थी और मैंने ना ये बस इसी की रेसिपी देखी, और मैं कब से अपने डार्लिंग हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे तो ये बनाना है. वेरी गुड, तुम लाई, अब मैं खा सकती हूँ. ओह अच्छा है, तो मैं ही आपको टेस्ट करवा देती हूँ, वो भी अपने हाथों से. ये लीजिए. नहीं, वैसे ये पेड़ा ही है ना, आई मीन कुछ मिलाया तो नहीं है इसमें? ओह, तो आपको लगता है कि मैंने इसमें जहर या नीम की गोलियां मिलाई है? यू आंटी, आप कितना शक करती हो मुझ पर. ये सारे काम तो वरुण जैसे लोग करते हैं ना. अब वो भी डेली सोप में. आई मीन वरुण नाम की कैरेक्टर्स. आंटी ये तो बहुत अच्छी वाली मिठाई है. एक मिनट, अब मैंने ये खुद खा ली, अब तो खुश है ना आप? ये अच्छी मिठाई है आंटी, ये शुद्ध घी से बनी है. ओके, थैंक यू अंकल. बाय द वे, ये मिठाई है किस खुशी में? अंकल बहुत बड़ी न्यूज है, रेयांश और दी की शादी होने वाली है. हाँ, दी ने रेयांश को खुद प्रपोज किया है. वाओ, सच अ गुड न्यूज. अब तो मैं और दो पेड़े खाऊंगी. क्या हुआ जागृति, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? Why are you shocked? तुम्हें क्या लगा आराधना रियांश से शादी करेगी तो मुझे बुरा लगेगा, मैं शॉक फील करूंगी? नो 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 नो, नॉट एट ऑल. यू नो व्हाट, ये तो तभी हो जाना चाहिए था जब जय और आराधना की शादी हो रही थी, तब सब कुछ गलत हुआ. नो प्रॉब्लम, अब सब कुछ सही हो रहा है. अरे मैं तो आरांश की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं तो चाह रही थी कि उनका मिलन जल्द से जल्द हो जाए. अरे आप लोग ऐसे क्या देख रहे हो, और एक एक मिठाई लो, इतनी अच्छी न्यूज है. लो लो लो. मैं तो पूरा बॉक्सिंग ले लू, मैं बैठ के आराम से खाऊंगी. आंटी भूलिएगा मत, दी की शादी होने से पहले ये घर खाली कर दीजिएगा. आई मीन यहाँ से चली जाइए. ऑफ कोर्स, बाय ऑल मींस. मैं मम्मा को दवाई देके आती हूँ. जाओ जाओ जाओ.
डार्लिंग हस्बैंड शैंपेन खोलो, इससे अच्छी न्यूज तो हो ही नहीं सकती। अब शैंपेन नहीं खोल रहे, नो प्रॉब्लम, मैं और मिठाई खा लेती हूँ। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।